हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। टुडे आई विल टीच यू ईवीएस सब्जेक्ट फॉर क्लास थर्ड एंड आवर लेसन इज माय फैमिली। माय फैमिली मींस मेरा परिवार। लेट्स स्टार्ट नाउ। डेफिनेशन ऑफ अ फैमिली: पीपल हु लिव इन द सेम हाउस एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर आर कॉल्ड अ फैमिली। वे लोग जो कि एक घर में रहते हैं और एक दूसरे से उनका कोई रिश्ता होता है, उसको हम फैमिली कहते हैं। एन आइडियल फैमिली इज वन इन विच ऑल द फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम्स। आइडियल फैमिली यानी कि आदर्श परिवार वह होता है जिसमें कि लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को अच्छे और बुरे समय में सपोर्ट करते हैं। Types of a family. A family can be two types: small family and big family. तो यानी कि family दो प्रकार की होती हैं, small family और big family. Okay? What are the different types of a family? There are two types of a family: small family and big family. Understand? Okay. Number one, small family. A small family is called a nuclear family. तो small family को हम nuclear family कहते हैं। क्या कहते हैं small family को? Nuclear family. Very good. It consists of parents and one or two children. तो small family में parents होते हैं और उनके एक या दो बच्चे होते हैं। All the family members look after each other and share joy and comforts each other. सभी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की देखभाल करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं। सेकेंड नंबर इज बिग और जॉइंट फैमिली। अ बिग फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। तो बिग फैमिली में कौन कौन होता है? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं यानी दादा दादी होते हैं, पेरेंट्स यानी मम्मी पापा होते हैं, अंकल्स यानी चाचा, आंट्स यानी चाची या बुआ और उनके बच्चे होते हैं। ओके? दे ऑल लिव टुगेदर। ये सभी साथ साथ रहते हैं। इन अ जॉइंट फैमिली एवरी मेम्बर डज हिज हर शेयर ऑफ द वर्क इन द हाउस। यानी कि जॉइंट फैमिली में परिवार का हर सदस्य काम में हाथ बटाता है। समझ गए बच्चों? फैमिली कितने टाइप की होती हैं? टू टाइप्स ऑफ अ फैमिली, एक स्मॉल फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। तो स्मॉल फैमिली में कौन कौन होता है? पेरेंट्स और उनके बच्चे। और जॉइंट फैमिली में कौन कौन होता है? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। तो ये जो पिक्चर है ये कौन सी? जॉइंट फैमिली की पिक्चर है। इसे ध्यान से देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या स्मॉल फैमिली में रहते हैं। ओके? रिलेशन इन अ फैमिली। ऑल द मेंबर्स इन अ फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर। फैमिली के सभी लोग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इन द फैमिली अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन आर आवर रिलेटिव्स। परिवार में अंकल, आंट और उनके बच्चे हमारे रिलेटिव्स होते हैं। कौन होते हैं? हमारे रिलेटिव्स। रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदार। द रिलेटिव्स फ्रॉम द मदर्स साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। तो इसको फिल इन द ब्लैंक्स करके भी आ सकता है। द रिलेटिव्स फ्रॉम द मदर्स साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स। तो मम्मी के साइड के जो रिलेटिव होते हैं वह हमारे मैटरनल रिलेटिव होते हैं। ओके? एम फॉर मदर, एम फॉर मैटरनल। याद रखना, मदर साइड जो रिलेटिव होते हैं वो हमारे मैटरनल रिलेटिव होते हैं। दोज फ्रॉम द फादर साइड आर कॉल्ड पैटरनल रिलेटिव। यानी कि फादर साइड यानी पापा के साइड के पैटरनल रिलेटिव। पी फॉर पापा होता है और पी फॉर ही पैटरनल। ओके? तो फादर साइड रिलेटिव यानी पापा के साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं वह क्या कहलाते हैं? पैटरनल रिलेटिव। ठीक है? ग्रैंड पेरेंट्स आर द पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स।
तो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वह हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स होते हैं, यानी कि हमारे मम्मी पापा के मम्मी पापा होते हैं, उनको हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। अंडरस्टैंड? फादर्स और आवर मदर्स ब्रदर इज कॉल्ड अंकल। पापा या मम्मी के भाई को हम क्या बोलते हैं? अंकल। ठीक है। फादर्स और मदर्स सिस्टर इज कॉल्ड आंट, यानी कि पापा और मम्मी की बहन को हम आंट बोलते हैं। कज़न आर द चिल्ड्रन ऑफ आवर अंकल्स एंड आंट्स। तो कज़न कौन होते हैं? हमारे अंकल और आंट उनके बच्चे होते हैं, वह है कज़न होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? देन मदर साइड रिलेटिव्स मैटरनल रिलेटिव एंड फादर साइड रिलेटिव्स पैटरनल रिलेटिव। ओके, एंड अंकल आंट्स चिल्ड्रन आर कॉल्ड कज़न। नेक्स्ट, अ फैमिली ट्री। ये देखो, ये फैमिली ट्री है। अ फैमिली ट्री इज़ अ चार्ट विच शोज़ द ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स एंड कज़न्स। तो फैमिली ट्री एक वह चार्ट है जो हमें दिखाता है ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट, ब्रदर एंड सिस्टर और कज़न्स को। द फर्स्ट जनरेशन शोज़ द ग्रैंड पेरेंट्स एंड सेकेंड जनरेशन शोज़ योर पेरेंट्स एंड देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फैमिली ट्री एक, ये चार्ट एक फैमिली ट्री है, ये हमको दिखाता है कि देखो फर्स्ट जनरेशन में जो हैं वे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी या नाना नानी फर्स्ट जनरेशन में है। एंड सेकेंड जनरेशन में आपके पेरेंट्स और उनके भाई बहन हैं, यानी कि पेरेंट्स और उनके भाई बहन, यानी कि आपके अंकल आंट एंड मदर फादर आपके सेकेंड जनरेशन में आते हैं। एंड थर्ड जनरेशन शोज़ यू एंड योर कज़न। एंड थर्ड जनरेशन में आप हो और आपके कज़न सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं। ओके, आपको एक फैमिली ट्री बनाना है और उसमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स का एंड अपना फ़ोटो आपको लगा करके इसी तरह का एक फैमिली ट्री भी आप बना सकते हो अपनी स्क्रैप बुक में। ओके, ट्विंस। अब देखिए ट्विंस क्या होता है। ट्विंस, टू चिल्ड्रन बॉर्न टू द सेम मदर एट द सेम टाइम आर कॉल्ड ट्विंस। यानी कि दो बच्चे एक माँ से एक ही समय पर जब पैदा होते हैं उनको हम ट्विंस कहते हैं। ट्विंस यानी कि हिंदी में ट्विंस को जुड़वा बोलते हैं। ओके, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ट्विंस मे और मे नॉट लुक अलाइक। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं और दिखने में एक जैसे नहीं भी हो सकते हैं। ओके, ट्विंस हु लुक एग्जैक्टली द सेम आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। जो बच्चे बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं उनको हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। जैसे देखो दो बच्चे जो बिल्कुल एक जैसे जो दिखाई देते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं। यानी एक साथ एक माँ से और एक ही समय पर पैदा होते हैं उनको हम ट्विंस कहते हैं। वह एक जैसे भी हो सकते हैं और एक जैसे नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। ओके, नेक्स्ट इज लुकिंग लाइक ईच अदर। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली मे लुक लाइक वन अनदर। There are some similarities between them with respect to their looks, habits, etc. यानी कि परिवार के लोग एक जैसे होते हैं या एक जैसे दिखाई देते हैं, जब उनमें कुछ समानताएं होती हैं, जैसे कि एक जैसा दिखाई देना या उनकी आदतें एक दूसरे से मिलती हैं। ओके, जैसे कि आपकी फैमिली में आप अपने मम्मी से मिलते हो, कोई कहता है कि बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखते हो, तो वो एक जैसे दिखना होता है। या आपकी आदतें एक जैसे किसी से मिलती हैं, जैसे कोई कहता है कि ये बिल्कुल अपने मम्मी जैसा हंसता है या अपनी बुआ जैसी इसमें हैबिट्स हैं, तो वो होती हैं एक जैसी आदतें। द फिज़िकल फीचर्स एंड अपीयरेंस विच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर आर कॉल्ड हेरिडिटरी फीचर्स। यानी कि कुछ शारीरिक विशेषताएं जो होती हैं वह हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो मिलती हैं उनको हम हेरिडिटरी फीचर कहते हैं। जैसे कि आपकी नोज़ बिल्कुल आपके पापा जैसी है या आपकी मम्मी की आईज छोटी छोटी हैं तो आपकी भी आँखें छोटी हैं, तो वो हेरिडिटरी फीचर में आते हैं। या आपकी
से आपके बाल हैं, मम्मी के बाल बहुत सिल्की हैं और आपके भी सिल्की हैं, या आपके पापा के बाल कर्ली हैं तो आपके भी बाल कर्ली हैं, उनको हम हेरिडिटरी फीचर कहते हैं। समझ गए बच्चों? हेरिडिटरी फीचर यानी जो हमें माता पिता से जो हमको मिल, हमारे फीचर्स जो होते हैं हमारे माता पिता से जो हमें मिलते हैं उनको हम हेरिडिटरी फीचर बोलते हैं। लिविंग टुगेदर इन अ फैमिली, ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वेदर बिग और स्मॉल हेल्प वन अनदर। चाहे बड़ा परिवार हो या छोटा परिवार हो, उसमें परिवार के सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। आप भी अपने मम्मी पापा की मदद करते हो ना? गुड। दे ऑल शेयर द हाउस होल्ड वर्क। सभी लोग घर का काम मिल बांट कर करते हैं। द चिल्ड्रन इन द हाउस हेल्प बाय डूइंग द स्मॉल जॉब्स लाइक सेटिंग द टेबल, टेडिंग देयर रूम्स etc। छोटे बच्चे जो होते हैं वह भी घर के काम में मदद करते हैं। छोटे छोटे काम करके वह भी घर के कामों में मदद कर सकते हैं, जैसे कि अपनी टेबल को ठीक करना, या अपने टॉयज को सही जगह पर लगाना, या अपने रूम को अच्छे से डेकोरेट करना। ओके, गेट टुगेदर इन अ फैमिली। देयर आर मैनी रिलेटिव्स हु डू नॉट लिव टुगेदर इन द सेम प्लेस। परिवार के बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं जो एक साथ एक जगह पर नहीं रहते। वेडिंग्स, वैकेशंस, बर्थडेज एंड फेस्टिवल्स आर सम ओकेजन्स व्हेन रिलेटिव्स मीट वन अनदर। यानी बहुत सारे ऐसे ओकेजन होते हैं जबकि रिलेटिव्स एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे कि वेडिंग्स यानी शादियां होना, वैकेशंस यानी छुट्टियां, बर्थडेज या फेस्टिवल्स कोई भी त्योहारों के समय जब वो अपने घर आते हैं तो अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। ऑन दीज ओकेजन्स Children learn about values, cultures and traditions of their families. इन ओकेज़न के समय जब सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे values, cultures and traditions अपने फैमिली से सीखते हैं। Let's remember कुछ important points. Number one, family is a group of people consisting of the parents and their children. फैमिली क्या है? क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ अ फैमिली। तो व्हाट इज़ अ फैमिली, उसका आंसर आपको ये मिल जाता है, फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्टिंग ऑफ द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। फैमिली एक ग्रुप है जो माता पिता और उनके बच्चों से मिलकर बनती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ फैमिली। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ अ फैमिली, बिग फैमिली एंड स्मॉल फैमिली। Some families are big and some are small. Okay? Members of a family live together and look after one another. यानी कि फैमिली के जो मेंबर होते हैं एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। Number four, a family tree is a chart which shows how the family members are related to each other. यानी कि फैमिली ट्री एक चार्ट है जो हमें बताता है कि फैमिली के लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। नंबर फाइव, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। हम हमारे फैमिली मेम्बर्स से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ओके, नाउ योर लेसन इज़ कम्प्लीट। अब इसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भेजूँगी जो आपको फिल करनी है। ओके, वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय, फिर मिलूंगी अगली वीडियो के साथ।